नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूं मैं ग्राउंड पर और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत कुछ प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के बारे में। जी हां, काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे पास में आते हैं कि यार सीसीटीवी कैमराज हैं उसको फाइबर ऑप्टिकल से किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें लगेगी, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ। सो हमारे पास में आज है यहाँ पर करीबन ये 50 मीटर का फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो जब आप एक कैमरा लगाते हैं सो कैमरा लगाने के बाद में आपको फाइबर ऑप्टिकल से किस तरह से कनेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होगी, हर एक चीज़ में हम लोग आज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स हर चीज़ मुझे मोटिवेट करते हैं इसी तरह के कंटेंट को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या चीज़ें रखने वाली है, मैं एक सीन बना रहा हूँ यहाँ पर। सीन में हमारे पास में एक है यहाँ पर आईपी कैमरा, ठीक है, मैंने दाहुआ का एक आईपी कैमरा ले लिया 2 मेगापिक्सल का। अब इस कैमरा को मुझे फॉर एग्जाम्पल की 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर, 5000 मीटर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें लगेगी। तो एक कैमरा है हमारे पास में, अब इस कैमरे से आपका लेन आउटपुट निकलता है, राइट। तो इसके लिए आपको चाहिए एक पेच कोड, तो हमारे पास में एक पेच कोड होगा। पेच कोड किस में जाएगा, या तो फिर आपके मीडिया कन्वर्टर में, तो इस तरह का मीडिया कन्वर्टर होता है और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हैं, आप यहाँ पर आई बटन जो दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो था और मैंने किस बारे में बताया। तो हमारे पास में मीडिया कन्वर्टर है, अगर आप मीडिया कन्वर्टर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर अगर आपके पास में मल्टीपल हैं तो SFP पोर्ट वाली स्विच लगा सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है और यहाँ पर वो SFP पोर्ट्स होते हैं जो फाइबर ऑप्टिकल के लिए दिए होते हैं। आजकल ज़्यादातर स्विच इस तरह की आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस SFP पोर्ट की स्विच से लेकर कुछ इस तरह के जॉइंटर्स लगते हैं, यानी कि यहाँ पर जो केबल है जो स्प्लाइस किया होता है वो इसके अंदर होता है और इसके बाद में वो पूरा केबल लिंग होता है। केबल लिंग होने के बाद में वापस से दूसरी तरफ आपके पास में मीडिया कन्वर्टर का जो TX RX होता है दूसरा पोर्ट होगा और वहाँ से वापस आप उसको लेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए कैसे प्रैक्टिकली होगा देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है फाइबर ऑप्टिकल केबल और सिंगल कोर का केबल है। हमारे काम में ज़्यादातर सिंगल कोर ही यूज़ होता है और अगर आप मल्टी कोर भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको एज ए Cat6 की तरह जैसे बोलते हैं ना कि आपको इनके लिए फिर एक दूसरी चीज़ के लिए लेके जाना है, एक तीसरी चीज़ के लिए लेके जाना है, तो इस तरह से आप मल्टी कोर केबल में जा सकते हैं। अब ये आउटडोर वाला है, इसमें इंडोर भी आता है, तो हम लोग तो ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिकल यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर आउटडोर केबल होता है। तो मैं इसको छिल के दिखाता हूँ ये किस तरह का दिखता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसको जस्ट सपोर्ट करने के लिए जो आउटडोर केबल में यूज़ होता है, ये यहाँ पर हम लोग इसको कट कर देते हैं और ये जो दो हैं ये भी सपोर्ट करने के लिए ही यूज़ हो रहे हैं ताकि हमारा केबल है वो ख़राब ना हो। अब दोस्तों, जो फाइबर होता है वो इसके बीच में निकलेगा। सो दोस्तों, अभी ये आपके सामने ये फाइबर शायद आप कैमरा में देख पा रहे होंगे, एक सिंगल कोर का फाइबर, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर एक बहुत ही पतला सा फाइबर दिखाई दे रहा होगा। सो इसको बोलते हैं फाइबर केबल और यहाँ पर ये हमारा निकल गया है। दोस्तों, ये है हमारे पास में स्प्लाइजिंग मशीन जिसके थ्रू फाइबर ऑप्टिकल केबल को जॉइंट किया जाता है। तो हमारे पास में फाइबर ऑप्टिकल केबल और कुछ इस तरह के पेचकोड आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं पेचकोड, राइट। अब पेचकोड के दोनों सिरों पर कुछ इस तरह से ही होता है, ये सेम टू सेम होगा। तो एक तरफ इसको निकाल दिया जाता है क्योंकि इससे आपको फाइबर को ऑप्टिकल जो केबल है वो जॉइंट करना है इसके साथ में। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे फाइबर देखने के लिए मिल रहा होगा, ये केबल और ये केबल दोनों हमको जॉइंट करना है, राइट। तो ये दोनों जॉइंट होंगे स्प्लाइजिंग में से इस स्प्लाइजिंग मशीन में, तो वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जॉइंट होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा डिस्प्ले बना हुआ है और जो भी फाइबर ऑप्टिकल अगर अच्छे से जॉइंट हो जाता है तो यहाँ पर डिस्प्ले पे वो सक्सेसफुल रेशो आ जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर जॉइंट हो चुका है, एकदम महीन सा दिखेगा आपको, राइट। यहाँ पर ये पूरा जॉइंट हो चुका है और इसके ऊपर ये स्लीव लगा दी गई और ये स्लीव लग गई। अब स्लीव को यहाँ पर
हीटिंग देके इसको एकदम ये कंप्लीट एक जॉइंट हो चुका है और जॉइंट होने के बाद में कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली ये जो होता है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके ही देखरेख में होता है, इसका काम वो लोग जो एक्सपर्ट होंगे वो कर पाएंगे। अब इसके बाद में इस जॉइंट को अच्छे से रखने के लिए इस तरह का एक बॉक्स यूज़ किया जाता है जिसके अंदर कुछ इस तरह से रख दिया जाएगा। अभी इसको कई लोग ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर ये इसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर दिया गया है ताकि ये जो वायर है वो खींचे नहीं कहीं से भी। और अब इसको बंद कर देते हैं। ये अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से बंद हो चुका है। अब ये जो जॉइंट है वो रेडी हो गया हमारा एक साइड से। ओके, कुछ इस तरह से ये कंप्लीट जॉइंट है। अब सेम प्रोसेस हम लोग दूसरी तरफ भी करेंगे जाके। अभी हम लोग फाइबर को ऑप्टिकल जो केबल है वो पूरा को पूरा लिंक कर देते हैं ताकि आपको एक रफली आइडिया आ जाए कि पूरा डायग्राम किस तरह से बनेगा। हमारा वो ए साइड था, राइट। अब हम लोग जहाँ पर कैमरा प्लान करने वाले हैं दैट इज द बी साइड, वहाँ पर हम लोग चल लेते हैं। दोस्तों अभी हमने हमारा जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो लिंक कर दिया है और यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस जो होता है जो अभी हमने करके दिखाया था उसी प्रोसेस से एक जॉइंट यहाँ पर और लग जाएगा। दोस्तों अभी हम लोगों के पास में दोनों तरफ के जो जॉइंट है वो रेडी है और अब हमें अगर ये टेस्ट करना हो कि ये जो हमने जॉइंट किया है वो सही है या नहीं है, जैसे कि अगर हमारे पास में अगर लैन केबल हो तो हम लोग वहाँ पर अपना जो मीटर है वो लगाकर चेक कर लेते हैं, राइट। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल में लगाने के लिए एक बार इसका प्रोसेस है कि जो स्प्लाइजिंग मशीन है इसमें लगाएंगे, यहाँ से एक लेजर लाइट देंगे, यहाँ से ये लेजर लाइट निकल रही है, अब यहाँ से एक पोर्ट डाल देंगे और वो इधर आनी चाहिए लाइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लाइट हमको दूसरे सिरे से मिल रही है, मतलब कि हमारा जो जॉइंट है वो एकदम ओके है। अगर ये जो लेज़र लाइट है वो चाहे 50 किलोमीटर हो 100 किलोमीटर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ तक निकलेगी। इसके अलावा अगर कहीं ब्रेकेज होता है तो उसके लिए फिर अलग से मीटर्स होते हैं, उस प्रोसेस में हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल हमारे पास में जो जॉइंट है हमारा जो जॉइंट है वो यहाँ पर क्लियर है। नाउ दोस्तों ये हमारे पास में यहाँ पर है फाइबर ऑप्टिकल केबल का एक सिरा जो इस वाइट वाले बॉक्स में से निकला। इसके बाद में हमें यहाँ पर मीडिया कन्वर्टर यूज़ करना है। आइदर आप SFP पोर्ट वाली जो स्विच है जो मैंने ऑलरेडी बताई आपको वो यूज़ कर सकते हो, उसमें SFP मॉड्यूल होता है और मॉड्यूल के अंदर फिर इस तरह का कनेक्टर चला जाता है। अभी हमारे पास में यहाँ पर मीडिया कन्वर्टर है, मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे और मीडिया कन्वर्टर के अंदर आपको TX और RX दिख रहा है। एक तरफ TX और दूसरी तरफ RX, जैसा कि मैं बताता हूँ ऑलरेडी आपको। मैं यहाँ पर फिलहाल इसको TX में लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा डायरेक्ट जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो लग चुका है। अब इस मीडिया कन्वर्टर को मैं दे देता हूँ पावर, यहाँ पर पावर दे दिया। पावर देने के लिए हम लोग अभी ग्राउंड में हैं तो हमारे पास में एक UPS है, बट ऑब्वियसली ग्राउंड में हमें पावर कहाँ से मिलेगा, तो हमने एक UPS लिया हुआ है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपने UPS से। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर हमारा कैमरा कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों अभी हमें यहाँ पर लगाना है इस कैमरा को, तो कैमरा को पावर भी देना पड़ेगा क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल में आपको पावर नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर सिर्फ आपको डेटा जाने वाला है। तो यहाँ पर आप चाहे अगर एक सिंगल कैमरा लगा रहे हैं तो अलग से आप इसको एडेप्टर दे दो, आइदर अगर आपके पास है मल्टीपल कैमराज है, फॉर एग्जाम्पल मैं तो फिलहाल यहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए एक कैमरा लगा रहा हूँ। इतने ही केबल के ऊपर आप 500 कैमरा भी लगा सकते हो और 5000 कैमरा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो मीडिया कन्वर्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 10x100 होता है और 100x1000 होता है, मतलब गीगा वाला, तो आप गीगा वाला यूज़ करिए। आइदर SFP जो होती है वो गीगा वाली यूज़ करेंगे तो आपका सब काम ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में एक POE स्विच है और POE स्विच में से हमने लिया ये हमारा पेच कोड, हमने कनेक्ट किया इसको यहाँ पर कैमरा को, राइट। अब हमें मीडिया कन्वर्टर से इसको कनेक्ट करना है तो हमें एक और पेज कोड लगेगा। ये हमारा दूसरा पेज कोड। अब दूसरा पेज कोड आप इसको अपलिंक में डाल दीजिए। अपलिंक में डालने के बाद में हमारा जो मीडिया कन्वर्टर है इसके इस पोर्ट में डाल देते हैं। यहाँ पर चला गया। नाउ दोस्तों अभी यहाँ पर क्या प्लानिंग हुई, कैमरा लगाया, कैमरा से हमारा जो POE वाला जो हमारा केबल है वो हमने स्विच में लगाया, स्विच में हमने अपलिंक में से मीडिया कन्वर्टर को दे दिया और मीडिया कन्वर्टर से हमने जो पावर है वो सीधा हमारा फाइबर ऑप्टिकल, मतलब जो हमारा केबल है वो लगा दिया फाइबर ऑप्टिकल का। और चाहे वो हमारा 50 मीटर हो, 500 मीटर हो या 5000 मीटर हो, जितना भी आपको खींचना है आप उतना खींच सकते हो फाइबर ऑप्टिकल केबल को।
अब यहाँ पर हम लोग इसके पावर को ऑन करके उधर में एक बार आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ और सेकंड साइड में हमारा क्या प्रोसेस होगा वो आपको बता देता हूँ। नाउ दोस्तों हम लोग दूसरी तरफ आ गए हैं दूसरे सिरे पर और वहाँ पर सेम एज इट इज़ जो हमारे पास में पेचकोट था फाइबर का वो आ गया। यहाँ पर हमारा जो दूसरा पेयर है वो लेंगे और इसके अंदर हम लोग लगा लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा लग गया मीडिया कन्वर्टर में और मीडिया कन्वर्टर को दे देना है आपको पावर। ये पावर दिया, अब यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा इसी मीडिया कन्वर्टर से लेन का। अब यहाँ पे मैंने ये लेन लगा दिया राइट। अब इसके बाद में अब ये है, अब ये डायरेक्टली आप कोई स्विच में भी लगा सकते हो, जैसे आपको नेटवर्क के अंदर जोड़ना है वो जोड़ लो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर स्विच नहीं लगा रहे और मेरे पास में मेरा XVR है और मैं उसी XVR में डायरेक्टली यहाँ पर लगा रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया XVR में और XVR को डिस्प्ले में कनेक्ट कर दिया है। अब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं जो कि आप सब लोगों को पता है आ ही जाने वाला है। सो लेट्स सी किस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। नाउ दोस्तों हमारा NVR ऑन, जो हमारा XVR है वो ऑन हो चुका है। मेनू में जाता हूँ, कैमरा में जाके हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो हमने जो कैमरा ऐड किया था वहाँ पर, वो यहाँ पर सर्च होके आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, सेलेक्ट एंड देन ऐड, और ये ग्रीन हो गया मतलब कि कैमरा ऑन हो चुका है। और जैसे कि अभी आप यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं हमारा कैमरा ऑन है बिना लैगिंग के, आराम से सब सामने मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हम किस तरह से यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं इस धूप में और कुछ समझाने के लिए। सो ओवरऑल हमारे पास में यहाँ पर रिजल्ट स्टार्ट हो चुका है। नाउ दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमारे जो CCTV कैमराज हैं उसको फाइबर ऑप्टिकल केबल के ऊपर शुरू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाते हैं। एक चीज़ इसके अंदर ज़रूर आपके लिए यहाँ पर हो सकती है कि फाइबर ऑप्टिकल का केबल का जो काम करते हैं वो टेक्नीशियन अलग होते हैं, तो जब भी आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल का काम करना हो तो आपको उनको ही बुलाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास में खुद टीम है तो फिर बात अलग है। सो ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने में यहाँ पर मददगार हुआ होगा हमारा वीडियो। अगर हमारी मेहनत यहाँ पर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ में शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए, और किस तरह के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।